बोलो श्री राम भगवान की, सीता राम दरबार की। आज के आनंद की हम सबका सौभाग्य है कि ये धोरी की ये धरती आज धर्म और आध्यात्मिक की धरती हो चुकी है। जिस धरती पर 9 दिवसीय श्री राम यज्ञ हो, जिस धरती पर राम कथा हो, भागवत कथा हो, शिव पुराण हो, नानी बाई को मायरो हो, वो धरती अपने आप में पुण्यात की धरती होती है। और पुण्यात की धरती पर जो लोग भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस धरती से जुड़ते हैं, उन पर भी भगवान की कृपा होती है। और जिस पर भगवान की कृपा होती है, आशीर्वाद होता है, वही लोग राम कथा भागवत कथा को सुनने को आते हैं और वही इस यज्ञ कुंड में सम्मिलित होते हैं। अब मैं दिल्ली से चला, मुझे याद नहीं था कि आज धोरी के अंदर आना पड़ेगा, लेकिन प्रभु की आदेश था। कोटा से चलना लगा तो लोगों ने कहा बरसात हो गई, अस्त हो गया, मन में आया कि कार्यक्रम कैंसिल कर दूं, लेकिन प्रभु की जो कृपा होती है ना, उसको रोक नहीं सकता। थोड़ी देर बरसात चली, फिर बंद हो गई, फिर चलने लगा, फिर बरसात हुई। तो मैंने कहा बरसात आए चाहे तूफान आए, लेकिन भगवत के दर्शन करने चलना ही करना। और आप सबके दर्शन हुए, जब हम भागवत कथा राम कथा सुनते हैं, आपने 9 दिन तक महंत मधुसूदन जी दादीज के मुख से राम कथा का श्रवण करेंगे और द्वारकाधीश के हमारे संत जिनके नेतृत्व के अंदर 9 दिवसीय ये श्री राम यज्ञ हो रहा है, दामोदर दास जी आचार्य साहब, उनको भी धन्यवाद देता हूं कि आप सब संत यहां पर आए। और संतों का जहां पैर पड़ता है ना, वो धरती देव धरती होती है। संतों की तप तपस्या, समर्पण, उस सब का पुण्य सबको मिलता है। तो अपन तो इनके पुण्यार्थी हैं, पुण्य ये करें और पुण्य का लाभ हमें मिले। और इसीलिए जब भगवान राम की कथा हम सुन रहे हैं, तो भगवान के राम कथा में भगवान जब सृष्टि पर उन्होंने अवतार लिया, उस समय का राक्षसी करण की ओर बढ़ रहा था। यज्ञ करते थे तो यज्ञ में विघ्न करते थे, कोई धर्म पुण्य का काम करते तो राक्षस आके गांव में घेरते थे। जैसे कई गांव में भी होता है, कोई धर्म का काम करने लगे कोई न कोई विघ्न डालता है, वही उस तरीके का विद्वान यज्ञ में डलता था। उनके यज्ञ पूरा न हो जाए उसकी कोशिश राक्षस वर्ती करती थी। तो उस समय भगवान ने अवतार लिया श्री राम के रूप में। और जब भगवान ने अवतार लिया तो भगवान राम के जीवन के आदर्श जीवन को हम जब देखते हैं,
कि उनका किस तरीके से आदर्श जीवन था, वो तो भगवान थे सब जानते थे, उन्होंने सब लीला लिखी थी। लेकिन व्यक्ति के जीवन के अंदर उस लीला को आने वाले समय तक कई पीढ़ियों तक लोग भगवान राम के जीवन दर्शन पर चले, उनके संस्कार पर चले, उनकी तप तपस्या शौर्य त्याग एक आदर्श जीवन जो आज भी मनुष्य जी सकता है, उस आदर्श जीवन के अंदर सृष्टि के अंदर आने वाली पीढ़ी चले। इसलिए भगवान राम की कथा आज भी हमें प्रेरणा देती है और इसीलिए जब भगवान राम के जीवन दर्शन की जब बात करता हूं तो मैं देखता हूं किस तरीके से भगवान राम ने अपने जीवन को आदर्श जीवन किया, जहां तप तपस्या की बात होती तप तपस्या की, गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त की और गुरुकुल की शिक्षा के बाद जब उनका राज्याभिषेक होना था तब उन्होंने पिता की बिना इच्छा के भी जो वचन दिए थे उन वचनों को पूरा करने के लिए 14 वर्ष का वनवास प्राप्त किया, क्योंकि भगवान की लीला थी। अगर 14 वर्ष का वनवास नहीं करते तो राक्षस वर्तिका समाप्त कैसे होता, जो राक्षस विघ्न डालते थे, देवी देवता इंतजार कर रहे थे प्रभु के रूप में कोई अवतार ले, तो 14 वर्ष की उनकी यात्रा, उस 14 वर्ष की यात्रा के अंदर वनवास मिला था उनको, लेकिन सत्यवती पवित्र पत्नी का दायित्व होता है कि वो पति के साथ रहे। उस वनवास में उन्होंने, सीता माता ने भी वनवास उनके साथ किया, और भाई कैसा होना चाहिए, भाई लक्ष्मण जैसा होना चाहिए कि वनवास मिला राम को लेकिन भाई का त्याग समर्पण होना चाहिए, वह इस राम दर्शन में हम सबको झलकता है। और इसीलिए राम ने स्वेच्छा से 14 वर्ष का वनवास किया और वनवास के जीवन के अंदर जब एक एक दृष्टांत को आप देखेंगे, जितने भी उस सृष्टि के अंदर उस समय जो उनके भक्त थे, उन भक्तों को मिलते मिलते उन्होंने राक्षस वती रावण का वध किया। रावण के पिता भी तपस्वी थे और रावण भी खुद भी तपस्वी था, लेकिन उसकी कृति राक्षस कृति हो गई थी, वह भी हवन पूजन पाठन सब करता था लेकिन कृत राक्षस प्रवृत्ति का करता था। और उसी बीच में हनुमान जी आए, तो हनुमान जी जैसा श्रेष्ठ भक्त जो समर्पण और सेवा की त्याग की मूर्ति है, तो हनुमान जी के जीवन दर्शन को करते हैं, तो उन्होंने पूरा जीवन समर्पण किया राम के चरणों के अंदर। और इसीलिए आज हम सबको भी राम भगवान के जीवन की तरह आदर सरल सहज हमारा जीवन होना चाहिए, उस तरीके का समर्पण सेवा का भाव होना चाहिए, तग और त्याग का भाव होना चाहिए, और माता सीता की तरह पवित्रता बंधन के रूप में बंधी पत्नी को पति के हर सुख दुख के अंदर साथी पवित्रता के साथ रहना चाहिए। इसलिए
ऐसे तो मैं प्रवचन करता नहीं हूं पंडित जी, लेकिन आपके मुख से सुनते सुनते हमें भी लगने लगा कि भगवान राम के जीवन दर्शन को और श्री भगवान के कर्म संदेश को अगर हम पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि साक्षात रूप से आज हमें भी भगवान राम और श्री कृष्ण प्रेरणा देते हैं। और यही जीवन का सात्विक सत्य है कि भगवान राम के जीवन की तरह जीवन जियो, श्री कृष्ण की तरह कर्म प्रधान रहो। वो चाहते खुद योद्धा लड़ रहे थे, उन्होंने अर्जुन को क्यों लड़ाया? भगवान थी, लीला थी कि अर्जुन को वह योद्धा बनाकर खुद उनके पीछे सारा शक्ति श्री कृष्ण की और युद्ध अर्जुन का। और इसीलिए जीवन में सहज रहो, सादगी रहो, लोगों के सुख दुख पीड़ा के अंदर साथ रहें, हमारे गांव की जो संस्कृति संस्कार है उनको जीवन जिए। और जो जीवन का समय मिला है प्रभु के चरणों के अंदर दें, जितना समर्पण होगा, जितना तप तपस्या होगी, जितना त्याग होगा, उतना ही जीवन सहज होगा। और इसीलिए यही हमारा आध्यात्मिक देश के कारण हमारे जीवन में कोई बड़ी घटना भी घट जाए, बड़ी से बड़ी घटना, लेकिन वह भी मानते कि भगवान की ये इच्छा थी और फिर अपने कर्म की ओर निकल जाते हैं। भौतिक युग वाले लोग इस पर भी रिसर्च करते हैं, घटना क्यों घटी, और जो घटना पर रिसर्च करने लग जाएंगे तो अवसाद में जाएंगे, और जो मान लेंगे कि प्रभु की कृपा ऐसी थी तो वो कभी अवसाद और चिंता नहीं पड़ेगा, वो फिर निकल जाएगा। और यही भगवान के प्रति हमारा समर्पण होना चाहिए, यही निष्ठा होना चाहिए, यही तप तपस्या समर्पण होना चाहिए। और इसी तरीके से गांव गांव में यज्ञ होता रहे। आज दुनिया पर्यावरण शुद्धता के लिए नए नए काम कर रही है, लेकिन गांव के अंदर पहले पर्यावरण शुद्ध हो, वातावरण शुद्ध हो, उसके लिए यज्ञ होते थे। तो हमारी जो संस्कृति है वो संस्कृति, हमारे संस्कार, हमारा आध्यात्मिक ज्ञान हम सबको प्रेरणा भी देता है, शक्ति भी देता है। प्रभु राम की कृपा हम पर इसी तरीके से बना रहे और इसी तरीके से यज्ञ होते रहे, राम कथा होती रहे, भागवत कथा होती रहे, शिव पुराण होती रहे, और उनके ज्ञान दर्शन से जो मिले हमें नई ऊर्जा मिले, और प्रभु की कृपा हमसे बनी रहे और सबकी समृद्धि हो, खुशहाली हो, जन जन में समृद्धि खुशहाली आए, यही भगवान से प्रार्थना करते हैं। आप संत लोग यहाँ पर पधारे, मैं सभी संतों का भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ कि आपके कारण हम सबको ये आशीर्वाद मिला है, स्नेह मिला है। हमारे भजन गाने वालों को भी और विशेष रूप से वह आयोजक लोगों को भी जिन्होंने इस आयोजन की योजना बनाई, और हम सब श्रद्धालुओं को, भक्तों को उन्होंने बुलाया, उन आयोजकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।